प्रिय स्टूडेंट, हम इस वीडियो के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त के संकलित काव्य का अध्ययन करेंगे। मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी साहित्य। मैथिली गुप्त की प्रथम कविता जो जीजीजी बांसवाड़ा के आधुनिक काव्यधारा के प्रथम प्रश्न पद हिंदी साहित्य के पुस्तक में संकलित है, उसकी यहाँ व्याख्या करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, साथियों, भारतवर्ष जो कविता है उसमें भारत का यशोगान किया गया है। भारत को दिव्य भूमि, सोने की चिड़िया और दुनिया का विश्व गुरु वगैरह वगैरह जो उपाधियाँ मिली है, उस गौरव गाथा को लक्षित किया गया है। लेकिन आज जो भौतिक विकास हम देख रहे हैं वह पश्चिम की देन है। आज आपके सामने जो मैं वीडियो रख रहा हूँ, यह पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक विकास के कारण है। भारत में मन, आत्मा और जीव के विकास के बारे में ज़्यादा ग्रंथों में लिखा गया है, तो कवि ने भी यहाँ उन्हीं का वर्णन किया है। तो पहली कविता भारतवर्ष का अध्ययन कर रहे हैं हम, मैथिली गुप्त ने रखी है, लिखी है इस कविता को। मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। हिमालय का उत्कर्ष, हिमालय की ऊंचाई को धन्य है, यह धरती के ऊंचे मस्तक के समान है। यानी ऐसा लगता है कि इसकी वजह से धरती का मस्तक ऊंचा है, यानी धरती में सबसे ज्यादा ऊंचाई हिमालय की है। एवरेस्ट की ऊंचाई हमने इधर जानी है और हम जानते हैं एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में, जो हिमालय का ही एक क्षेत्र है। हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य भारतवर्ष। इस धरती के भाग्य के समान ये भारतवर्ष जो देश है वो ईश्वर का, ब्राह्मण धर्म के अनुसार ईश्वर का क्रीड़ा क्षेत्र रहा है। ईश्वर ने यहाँ लीलाएं की, इससे बाहर नहीं की, यहीं की। हरा भरा यह देश बनाकर विधि ने रवि का मुकुट किया। इस देश को हरा भरा बनाकर विधि, विधाता ने, ब्राह्मण धर्म में माना जाता है कि सृष्टि की रचना विधाता ने की है। विधाता ने इसे सूर्य के ताज की तरह बनाया है, सूर्य के मुकुट की तरह बनाया है। पाकर प्रथम प्रकाश जगत ने इसका ही अनुसरण किया, और यहीं से प्रकाश का अर्थ यहां ज्ञान लेंगे, पहली बार ज्ञान पाकर सारे संसार ने इसका अनुसरण किया। पूरे संसार में ज्ञान यहां से फैला, सबसे पहले ज्ञान यहां खोजा गया और वह ज्ञान सारे इस विश्व में फैल गया। थी कुछ नालंदा, तक्षशिला विद्यापीठें जहाँ विश्व के कई देशों के लोग अध्ययन करने आते थे, पर वो अध्ययन अलग चीज है। प्रभु ने स्वयं पुण्य भू कहकर यहाँ पूर्ण अवतार लिया। स्वयं ईश्वर ने इसे पुण्य भूमि कहकर यहाँ पूर्ण अवतार लिया है। विष्णु के पूर्ण अवतार दो ही माने जाते हैं, राम और कृष्ण। देवों ने रस्सी पर रखी, देवताओं का हिल गया हिया, और इस धरती की धूल को देवताओं ने अपने मस्तक पर रखा है, लगाया है, और इस धरती को देखकर ही देवताओं का हृदय कांप गया। लेखा श्रेष्ठ इसे शिष्टों ने, शिष्ट व्यक्तियों ने, विद्वान व्यक्तियों ने इसे, इस भारतवर्ष को श्रेष्ठ बताया है, और दुष्टों ने देखा दुर्दश, और यह दुष्टों का विनाश हुआ है। इस धरती पर दुष्टों का विनाश हुआ है।
हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष, यह धरती के भाग्य के समान भारतवर्ष ईश्वर का लीला स्थल रहा है। अंकित सी आदर्श मूर्ति है सरयू के तट में अब भी श्री राम की आदर्श मूर्ति सरयू के किनारे पर अंकित सी दिखाई देती है। अयोध्या सरयू के किनारे पर है और अयोध्या में राम ने जन्म लिया था, इसलिए इस पंक्ति का उल्लेख किया गया है। गूंज रही है मोहन मुरली ब्रज वंशी वट में अब भी, ब्रज के वंशी वट पर आज भी श्री कृष्ण की मुरली की गूंज सुनाई देती है। ये दो ही हमारे पुण्य अवतार थे, इन्हीं का जिक्र कवि ने यहाँ किया है। लिखा बुद्ध निर्वाण मंत्र जय पाणी केतु पट में अब भी, बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानते हैं, मेरे हिसाब से बुद्ध भी पुण्य अवतार गिने जाने चाहिए। लेकिन यह ब्राह्मण ग्रंथों में बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया, या बुद्ध के लिखा बुद्ध निर्वाण मंत्र जय पाणी केतु पट में अब भी, बुद्ध के निर्वाण का मंत्र हमारे जय पाणी केतु पट में, केतु पट ध्वज हमारे ध्वज में आज भी अंकित है, जो राष्ट्रीय ध्वज में एक चक्र है वो चक्र बुद्ध के धम्म चक्र का ही प्रवर्तक है और उसी के लिए उसको उसमें रखा गया है। महावीर की दया प्रकट है माता के घट में अब भी हर माता के हृदय में महावीर वर्धमान महावीर स्वामी की तरह दया आज भी जीवित है। मिली स्वर्ण लंका मिट्टी में यदि हमको आ गया अमर्ष, अमर्ष का मतलब क्रोध होता है, यदि हमें क्रोध आ गया तो हम सोने की लंका को भी मिट्टी में मिला देते हैं। हरि क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य भारतवर्ष, भाग्य सा भारतवर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, हमारी भारतवर्ष जो भूमि के भाग्य समान है हरि की लीला स्थली रहा है। आर्य अमृत संतान, आर्य जो हैं वो अमृत संतान मतलब देवों की संतानें हैं, सत्य का रखते हैं हम पक्षियाँ, हम हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहे हैं। दोनों लोग बनाने वाले कहलाते हैं दक्षियाँ, या दोनों लोगों का सृजन करने वाले को दक्ष कहा जाता है, दक्ष प्रजापति का अर्थ अर्थ है ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित। शांति पूर्ण सूची तपोवनों में हुए तत्व प्रत्यक्षियाँ, शांतिपूर्ण और सुघड़ तपोवनों में यहाँ जीवन के तत्व को दिखाया गया, उसकी चर्चा की गई, उसे खोजा गया। बुद्ध हो महावीर स्वामी हो ऋषि मुनि हो सब ने यही किया है। वहाँ लक्ष्य बंधनों में भी अपना रहा मुक्ति ही लक्ष्य, लाखों बंधनों संसारिक मोह माया के या संसारिक भोग वासना के विलास के, फिर भी यहाँ लोगों का लक्ष्य मोक्ष पाना ही रहा है, जीवन से मुक्ति, जीवन यानी इस जीव योनि से मुक्ति से पाना ही रहा है। जीवन और मरण का जग ने देखा यही सफल संघर्ष, जीवन और मरण के बीच में संसार ने इस भारत में ही सफल संघर्ष देखा है, लोग कैसे जीने और मरने के बीच संघर्ष करते हैं। हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष, यह भारत जो धरती के भाग्य के समान है हरि का लीला क्षेत्र रहा है। आगे फिर कवि मैथुन गुप्त और भारत के वर्णन करते हुए कहते हैं कि मलय पवन सेवन करके हम नंदनवन बिसराते हैं, हम मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा को आनंद लेकर उसका सेवन करके हुए नंदनवन को भी भूल जाते हैं। नंदनवन स्वर्ग के बगीचे का नाम है, जिस जो भी कल्पना की धर्म पौराणिक ग्रंथों में तो उस स्वर्ग के बगीचे का नाम नंदनवन है। हम नंदनवन को भी भूला देते हैं मलय पवन की हवा को सेवन करके, हवा की सुगंध लेकर। हव्य भोग के लिए यहाँ पर अमर लोग भी आते हैं और हम जो यज्ञ करते हैं उसका भोग प्राप्त करने के लिए इस धरती पर देवता अमर लोग देवता लोग भी इस धरती पर उतरते हैं, उनको भी इस धरती पर आना पड़ता है, और कहीं नहीं जाते, इसमें सिर्फ भारत में ही आते हैं देवता। मरते समय हमें गंगा जल देना याद दिलाते हैं और हम अपने बच्चों को ये याद दिलाते हैं कि मर्द हमारी जब मृत्यु हो तो हे बच्चों हमारे मुंह में थोड़ा गंगा जल डाल देना, वहाँ मिले न मिले फिर ऐसा अमृत जहाँ हम जाते हैं, पता नहीं मरने के बाद हम जहाँ जाएंगे वहाँ
गंगा जल के समान अमृत फिर प्राप्त हो या न हो, इसके लिए हम अपने बच्चों से ये कहते हैं कि मरते समय हमारे मुंह में थोड़ा गंगा जल डाल देना। कर्म हेतु इस धर्म भूमि पर लें, फिर हम जन्म सहर्ष अपने कर्म के लिए, कर्म करने के लिए हम बार बार प्रसन्नतापूर्वक इस भूमि पर, इस धर्म भूमि पर जन्म लें। हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष, ये भूमि के भाग्य के समान जो भारतवर्ष है यह हरि का लीला स्थल रहा है। तो दोस्तों, यह जो भारतवर्ष काव्य है यह स्वदेश संगीत नाम के संकलन से लिया गया है, फुटकल काव्यों का संग्रह है। तो मैथिली गुप्त का पहला काव्य हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अगले काव्य का अध्ययन आने वाले वीडियो में करेंगे।